जय हिंद। आज हम करने वाले अनबॉक्सिंग एंड रिव्यू प्रो लाइट के फ्लोटर कीबोर्ड का। एंड इसको रिव्यू करने का रीज़न यही है कि चैनल पे हमने कर डाला है रिव्यू चीपेस्ट गेमिंग कीबोर्ड, चीपेस्ट गेमिंग मैकेनिकल कीबोर्ड एंड चीपेस्ट गेमिंग माउस का। तो हमने सोचा क्यों ना हम चीपेस्ट कीबोर्ड का भी रिव्यू कर दें। देख लेते हैं फटाक से बॉक्स पे क्या है। बॉक्स पे सामने ब्रांडिंग है प्रो लाइट की। फ्लोटर प्रो लाइट एक्चुअल में सब ब्रांड या सिस्टर कंपनी है प्रो डॉट की, तो आप ट्रस्ट कर सकते हैं इस ब्रांड को भी। एंड इसको लेने का सबसे बड़ा रीज़न कि ये अपने इंडिया में ही बनती है एंड देहरादून में उत्तराखंड में फैक्ट्री है इनकी। एंड पीछे की तरफ बॉक्स पे देख लेते हैं क्या है। ABS प्लास्टिक, कॉम्पैक्ट एंड स्लीक डिजाइन, इजी टू रीड कीज, एक्सेप्शनली कंफर्टेबल, लॉन्ग केबल 1.25 मीटर की है। बहुत ज्यादा लॉन्ग नहीं है बट पीसी पे यूज करो चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि माउस में मे बी हमें थोड़ा मूव करना पड़ता है बट कीबोर्ड में हमें इतना मूव नहीं करना पड़ता है, तो यहाँ पे अगर लंबी केबल नहीं है तो चलता है। एंड रूपी फॉन्ट की है, तो रूपी फॉन्ट की को कैसे यूज करने का है वो उसका स्टेप बाय स्टेप गाइड इधर है कि इनकी साइट से डाउनलोड करके कैसे अनजिप करके किस फोल्डर में आपको डालना है, कैसे इंस्टॉल करना है। एंड इस साइट देख लेते हैं, प्राइस दी है, प्राइस है अराउंड 400। ऑनलाइन आपको ये मिलेगा 200 से 250 रुपए का, 200 to 250 रुपीज़ का। बट मैं आपको सजेस्ट करूंगा, जैसा कि करता आया हूं हमेशा, कि आप जब भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक्स सामान लें, अगर छोटे इलेक्ट्रॉनिक्स में हैं तो स्पेशली आप लोकल मार्केट से लें, वो ज़्यादा सस्ती आपको लोकल मार्केट में ही मिलेगी। एंड इसको मैंने अपने यहीं लोकल शॉप से ख़रीदा है, तो वहाँ पर मेरे को ये पड़ी है 150 रुपये की, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपीज़ की। तो आप ये चेक करें, आप एक्चुअल में ये सब चीज़ें जो हैं लोकल मार्केट में आपको ज़्यादा सस्ती मिलेंगी ऑनलाइन के मुकाबले। तो इन दी एंड कंज्यूमर का फ़ायदा ही सबका फ़ायदा है। एंड आपको जहाँ भी सस्ता मिले वहाँ से आपको लेना चाहिए, मैं यही सजेस्ट करूँगा। एंड देख लेते हैं कीबोर्ड, वायर काफ़ी पतली है बट चल जाएगी। कीबोर्ड जैसा कि हम जानते हैं ज़्यादा मूव नहीं करते हैं तो कोई इशू नहीं है, पतली कीबोर्ड भी चल जाएगी, पतली वायर भी चल जाएगी। ये फ्लोटर हैं तो लाइक इसका जैसे सेमी मैकेनिकल आप देखते हो, इसको रिव्यू करने का एक और रीज़न ये है कि इस जैसे सेमी मैकेनिकल या गेमिंग कीबोर्ड आप बोलते हो, काइंड ऑफ ऐसा ही इसका कीज़ है, फ्लोटर है आप देख सकते हो। एंड पीछे की साइड अगर आप देखो, कीबोर्ड बहुत लाइट है, बहुत ही ज़्यादा लाइट है, बट जैसे इसके डिज़ाइन है ना ऐसा हेक्सागोनल वो देखे एंड ऐसा करके या डायमंड शेप है दिया हुआ बीच में, तो इसके कारण ये कुछ ज़्यादा ही लाइक स्टर्डी फील होता है, थोड़ा फ्लेक्स होता है, कोई इशू नहीं है उससे। पीछे की तरफ रबर, ये रबर पैडिंग नहीं है, ये रबर ग्रिप्स नहीं है, प्लास्टिक ग्रिप ही है, बट पता ही आपको 150 रुपीज़ की चीज़ है तो कॉस्ट तो कहीं तो कट करने पड़ेंगे। एंड अगर कोई आपको रिव्यू करेगा जबरदस्ती ऐसे दबा के फ्लेक्स करके दिखाता है तो हमेशा बोलता हूँ कि वो बकवास बात है। नॉर्मल आप जितना प्रेशर डालते हो टाइप करने में लाइक उतना ही आपको डाल के देखना चाहिए, तो कोई फ्लैक्स नहीं है ऐसा भी करने पे। एंड ज़्यादा भी डरता हूँ तो बहुत ज़्यादा फ्लैक्स नहीं हुई, तो 150 रुपीज़ में अगर आपको लोकल मार्केट में ये मिलता है तो आप ये डेफिनेटली ले सकते हो। इंडिया का बना हुआ है तो वो भी एक रीज़न है। एंड किनको ये लेना चाहिए, तो ऐसे लोग जिनके डेस्क पे जगह कम हो वो यूज़ कर सकते, गेमिंग में कोई इशू नहीं है। मैंने इस पे गेमिंग करके देखी है तो कोई इशू नहीं है गेमिंग में भी। आप एक समय में 5 ही की दबाते हो तो 6 की तक ये इनपुट लेता है, 6-7 की तक। एंड अगर आपके डेस्क पे कम स्पेस है तो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपको चाहिए एक स्पेयर कीबोर्ड, आपका मैकेनिकल कीबोर्ड कभी ख़राब हो जाता है एंड आपको स्पेयर कीबोर्ड चाहिए रखना है तो ये काफ़ी अच्छा है। एंड ओवरऑल अगर कोई मेम्ब्रेन कीबोर्ड यूज़ करता है जैसे ऑफिस सेटिंग में है वैसी सेटिंग में करते हो यूज़, तो वहाँ के लिए भी ये बेस्ट रहेगा। तो इस कीबोर्ड को मेरी तरफ से 2 thumbs up। आपसे मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टे हेल्दी, और सबसे बड़ी बात स्टे पॉजिटिव। गुड बाय।